सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। और गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो नए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो और एक बढ़िया स्कॉलरशिप अमाउंट भी आप लोग को मिल सकता है। और मैं बता दूं, इनमें से किसी में भी आपको एग्जाम अटैम्प्ट नहीं करना होता है, बिल्कुल फ्री में आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे अवॉर्ड किए जाते हैं, बेसिकली आपके नीड्स और मेरिट को देखते हुए। ठीक है, तो दोनों स्कॉलरशिप की डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ने के पहले, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप है हमारा, वो है दोस्तों 29 स्कॉलरशिप, जो कि रॉयल्स इंडिया की तरफ से आप लोगों को दी जा रही है। इसमें बता दो, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट यानी कि वुमेन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो दूसरा वाला जो स्कॉलरशिप उसमें बॉयज हो गर्ल्स हो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है दोस्तों रॉयल्स इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट को जो भी अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं जनरल या फिर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके थ्रू अप टू 25,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है। और ये स्कॉलरशिप बेसिकली एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए, जिसे स्टूडेंट जो है अपना आगे की जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं वो उसको बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कंप्लीट कर सके। हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, आखिर कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो पहला तो गर्ल्स स्टूडेंट होने चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर स्टडिंग होनी चाहिए जनरल या फिर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज में। किस सब्जेक्ट से कोर्सेज होना चाहिए, तो साइंस टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यानी कि STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग स्टडिंग होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम है यानी कि सेमेस्टर एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम जो भी होता है, उसमें 55% मिनिमम के मार्क्स होने चाहिए। और आपकी फैमिली की एनुअल इनकम सोर्सेज जो है 4 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बाकी पैन इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बस ये कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी, अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप टू 25,000 तक का स्कॉलरशिप अमाउंट भी आप लोग को मिल सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ईच सिलेक्टेड स्कॉलर विल रिसीव 1 टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप अप टू 25,000। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, फैमिली इनकम प्रूफ, मार्कशीट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर एकेडमिक प्रूफ, एडमिशन प्रूफ, जहां भी आप लोगों ने एडमिशन लिया बेसिकली एडमिशन प्रूफ आपको सबमिट करना होता है, और बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने होते हैं जिसमें आप स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव कर सके। ठीक है, हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपके एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल नीड को देखे जाते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे टेलीफोनिक राउंड का इंटरव्यू होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों 29 टीम स्कॉलरशिप जो कि हो जाता है वुमेन स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग बात करें वैसे स्कॉलरशिप के बारे में जिसमें बॉयज हो और गर्ल्स हो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है दोस्तों SBI फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है। SBI जो बैंक है उनकी ओर से बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं सेशन 2023 के लिए। तो ये जो है SBI फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिली अक्रॉस इंडिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके थ्रू टू 5 लाख रुपीज तक आप लोग को स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है। हम लोग बात करें दोस्तों कौन कौन इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप लोग UG प्रोग्राम के अंदर स्टडी करें तो आप लोग एलिजिबल होते हैं, या फिर इंजीनियरिंग IITs के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट यानी कि IIMs के अंदर स्टडी करें, फिर PhD स्टूडेंट है फिर भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोग और भी डिटेल्स को ले सकते हैं। लाइक दोस्तों 12th में जो है 75% मार्क्स होने चाहिए और फर्स्ट ईयर में UG कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड होने चाहिए। फैमिली इनकम जो है 3 लाख एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बाकी पैन इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो अप टू 50,000 तक आपको अवॉइड किए जाएंगे। हम लोग बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लाइक क्लास 12th के आपको मार्कशीट अपलोड करने होते, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकम प्रूफ और फोटोग्राफ अगर अपलोड करने होते। बाकी दोस्तों आप लोग और भी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हैं व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके। इसमें अप्लाई करने के लिए बात करें तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको इस यहाँ पे बेसिकली अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ कैसे आप लोग इन सब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाते हैं दो स्कॉलरशिप, एक हो गया 29 स्कॉलरशिप और दूसरा दोस्तों SBI फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है। तो अगर आप लोग किनमें से एलिजिबल है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर ले, बाकी अगर आप लोग दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।